आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बूढ़ी काकी। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति होती है, तो उसी पर आधारित है बूढ़ी काकी की कहानी, जिनके पति का निधन कई वर्ष पहले हो चुका था। परिवार के नाम पर सिर्फ बुद्धिराम थे, जो उनके भतीजे थे, एवं उनकी पत्नी रूपा तथा उनके बच्चे। बच्चों में दो बेटे और एक बेटी, जिसका नाम था लाडली। ये था उनका पूरा परिवार। बूढ़ी काकी की सारी इंद्रियां जा चुकी थी, सिर्फ स्वाद इंद्रियां और रोने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। जब भी उन्हें भूख लगता, वो जोर जोर से चिल्लाती, रोती और खाने के लिए मांगती। शायद उन्हें खाना भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा था। बूढ़ी काकी के सभी बेटे तरुण होकर के मर चुके थे। बूढ़ी काकी के तरुणावस्था में बच्चों के मर जाने के बाद उनकी जितनी भी संपत्ति थी, वो उन्होंने बुद्धिराम के ही नाम कर दिया था। उससे लगभग मासिक 150 से 200 रुपए उन्हें आ जाते थे। बूढ़ी काकी को पूरे परिवार में मोह बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी लाडली के ही प्रति था, क्योंकि लाडली को लगता था कि वो बूढ़ी काकी को कुछ न कुछ खाना खिला दे। जब भी वक्त बेवक्त वो बूढ़ी काकी के पास जाती, उनके गोद में बैठ करके उन्हें कुछ न कुछ खिला देती। बूढ़ी काकी दिल से उन्हें बहुत आशीर्वाद देती। समय बीतता गया और बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक का दिन आ गया था। तिलक के दिन बहुत सारे मेहमान बाहर से आए थे, बहुत सारे पूजा पाठ कराने वाले लोग आए थे, भाट आए थे, कुछ चारण आए थे, नाव आए थे। इन सभी के खाने पीने की व्यवस्थाएं रूपा दौड़ दौड़ करके कर रही थी। कई तरीके के पकवान भी बनाए जा रहे थे। इन पकवानों के सुगंध अचानक बूढ़ी काकी के नाक तक पहुंची और बूढ़ी काकी भाव विवल हो चुकी। वो कई तरीके की कल्पनाशीलता उनके दिमाग में चलने लगी और वो सोची कि अब जाए खाने के पास कि तब जाए। लेकिन समय बीतता रहा और बूढ़ी काकी को कोई बुलाने वाला नहीं आया। अचानक बूढ़ी काकी, क्योंकि अंधी थी, वो धीरे धीरे किसी तरीके से लुढ़कते लुढ़कते जहाँ खाना बन रहा था वहाँ गई। अचानक रूपा ने बूढ़ी काकी को देख लिया और उनसे रहा नहीं गया। सबके सामने वो जोर जोर से बूढ़ी काकी के ऊपर चिल्लाने लगी। ऐसा बूढ़ी काकी को लगा कि शायद उससे गलती हो गई हो और वो किसी तरीके से धीरे धीरे अपनी कोठरी में जा करके बंद हो गई। बूढ़ी काकी सोची कि आज तो खाने में कुछ खास मिलेगा, लेकिन उन्हें डांट ही खाने को मिला। बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब बूढ़ी काकी के पास खाना नहीं आया और भूख के मारे उनका दम घुटने लगा, तो धीरे धीरे पुनः वहाँ गई। वहाँ बूढ़ी काकी के देखते ही सारे मेहमानों ने कहा कि अरे ये कौन है, ये आ गई तो बचो इससे, नहीं तो ये हमसे छू जाएगी। अचानक उनके भतीजे बुद्धिराम की निगाह उनके ऊपर पड़ी। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को पकड़कर घसीटते हुए कोठी के अंदर लेकर के गया और उन्हें खूब बुरा भला सुनाया। बूढ़ी काकी के भी दिमाग में कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई है। इसी उधेड़बुन में बूढ़ी काकी को नींद आ गई। वो कई बार उठी, जगी, सोई और कई तरीके के सपने देखती रहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी लाडली, उसे देखा नहीं गया और वो इस इंतजार में थी कि लोग सो जाएं और वो अपनी बचाई हुई पूड़ियों को जाके बूढ़ी काकी को खिला दे। ऐसा ही हुआ। लगभग सारे मेहमानों के चले जाने के बाद छोटी बेटी लाडली जाती है और अपनी गुड़ियों के रखने की पेटी में जो भी कुछ पूड़ियाँ बचा के रखती है, वो बूढ़ी काकी के पास लेके जाती है। बूढ़ी काकी पूड़ियाँ खाती हैं, परंतु इतने इंतजार के बाद वो पूड़ियाँ नाकाफ़ी होती हैं।
तो बची खुची जो उसके कुछ छिलके थे उस पेटी में से उठा करके उसे भी वो खाती हैं। फिर भी उनकी लिप्सा पूरी नहीं होती है तो कहती हैं कि बेटी मुझे बाहर की ओर ले चलो। बेटी बूढ़ी काकी को बाहर की ओर ले जाती है और जो बचे खुचे पत्तल होते हैं उन पत्तलों में से जो भी कुछ बचा कुचा होता है, दही, सब्जी, रायता, सबको उंगलियों से वो चट चट करके खाती हैं। अचानक बगल में रूपा सोई हुई होती है और देख करके उसके दिल पसीज जाते हैं। वो इन उधेड़ बुन में कार्यों में ये भूल जाती है कि उसने सबको खिला दिया। तरह तरह दौड़ लगाए घर में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन अपने घर के मुख्य और सबसे वृद्ध महिला को ही और घर की मालकिन जिसके वजह से उनका खान पान था, जिससे उनके रुतबे थे, उनको ही वो नहीं खिला पाई। इस कारण से उनको बहुत दुख होता है और प्लेट में भर प्लेट खाना ले जा करके वो बूढ़ी काकी को सौंप देती हैं। बूढ़ी काकी मन ही मन अपनी बहू को आशीर्वाद देती हैं और बहू को ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ इतना अच्छा कार्य कर दिया है कि उसको स्वर्गिक अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने गांव में वृद्धों की स्थिति पर प्रकाश डाला है कि वृद्ध अपनी पूरी संपत्ति अपने सगे संबंधियों के नाम कर देने के बावजूद भी घर में किस प्रकार से तिरस्कृत होते हैं और उन्हें कई प्रकार की उलाहनाएं सुननी पड़ती है। हालांकि ये कहानी वास्तविक नहीं है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने पूरी तरीके से यथार्थ को धरातल पर उतार दिया और जब भी आप कहानी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उस सजीवता का अनुभव कर रहे होंगे और उस जीवंतता का अनुभव कर रहे होंगे जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में परिलक्षित होता है। इस प्रकार से घटनाएं दिखाई पड़ती।